हे दोस्तों, 2015 में आई एक पंजाबी फिल्म रुपिंदर गांधी द गैंगस्टर में रुपिंदर गांधी की जिंदगी को दर्शाया गया है। रुपिंदर का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसी वजह से पिता ने गांधी नाम रखने का फैसला किया। 22 वर्ष की उम्र में ही वो गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और स्थानीय यूथ आइकन था। गाँव वालों के लिए वो एक प्यारा लड़का था, पर गाँव के बाहर लोग उसके नाम से कांपते थे। गांधी की जिंदगी में जल्द ही चीजें बदल गईं। गांव के प्रसिद्ध लड़के की छोटी लड़ाइयां गैंग वॉर्स में बदल गईं। सड़कों पर हथियार लहराए जाने लगे। रुपिंदर के लिए जो आदर था वह भय में बदल गया। लुधियाना जिले के रसूलरा गांव में रहने वाला गांधी अपने नाम के उलट हिंसा का पर्याय बन गया। आज से करीब 14 साल पहले उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। रुपिंदर गांधी द गैंगस्टर मूवी में इस हत्या को विस्तार से दिखाया गया है। रुपिंदर गांधी की हत्या के आरोपी कुलदीप सिंह अट्टी को पिछले साल किसी ने गोली मार दी। गोली किसने मारी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। अट्टी के खिलाफ गांधी को किडनैप करके उसकी हत्या करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। मामला अभी अदालत में लंबित है और अट्टी जमानत पर बाहर है। अट्टी को गोली गुप्तांग के पास लगी थी। वह स्वयं एक्टिवा चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा था। दोस्तों, रुपिंदर गांधी के गांव के लोग उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में याद करते हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, लड़कियों की शादी में लोगों की मदद करता था, गरीब बच्चों के लिए दवाएं लाता था। मगर गांव के बाहर उसके खिलाफ मारपीट, अवैध हथियार रखने और हत्या तक के केस दर्ज थे। पर उनके गांव वालों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि उनके गांव के सरपंच के ऊपर मूवी बन रही है। अभी कुछ महीने पहले ही रुपिंदर गांधी के भाई मनविंदर मिंदी पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद मिंदी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए लुधियाना के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह भी बताया गया है कि मिंदी पर हमला करने के बाद हमलावर रास्ते से किसी की कार चुराकर फरार हो गए थे। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि मिंदी का कत्ल किस इरादे से किया गया है। वहीं पुलिस भी इसकी छानबीन करने में जुटी हुई है। दोस्तों, रुपिंदर गांधी के गांव के लोग कहते हैं कि वह हमारे हीरो हैं। हम उनकी यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं और उनकी याद में काम करना चाहते हैं। गांव में गांधी के फैंस बताते हैं कि हमें नहीं पता कि वो बाहर क्या करते थे और किन मामलों में शामिल थे। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो हमेशा बड़ों की इज्जत करते थे और गरीबों की मदद करते थे। दोस्तों, तो कुछ ऐसी थी रुपिंदर गांधी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।